क्या आपको भी करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन परेशान? यदि हाँ तो आज के बाद आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है x की 6 प्लस 1 अपॉन x की 10 इज इक्वल टू 2 है, तो x की पावर 11 प्लस 1 अपॉन x की पावर 11 का मान कितना होगा? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसका मान भी 2 ही होगा। हाँ दोस्तों यही आपका आंसर होगा, और होगा कैसे है वो मैं अभी बताता हूँ। सोल्यूशन ये है कि अगर पुट पुट एक्स इजिकल टू वन कर दें, यानी पुट द वैल्यू एक्स इजिकल टू वन, एक्स की जगह वन रख दें, यानी वन की पावर 6 प्लस वन अपॉन वन की पावर 10 है, यानी वन एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर कुछ भी हो तो वन ही आता है, तो वन प्लस वन इजिकल टू टू। तो हाँ दोस्तों ये सिद्ध हो रहा है कि 2 होता है। इसी तरीके से इसकी पावर भी वन रखें प्लस वन अपॉन वन की पावर 11 तो कितना होगा? तो वन की पावर वन प्लस वन इजिकल टू टू, तो वन की पावर कितना भी रखो मान 2 ही आता। ठीक है चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है, तो पूछता है एक्स की क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यू का मान कितना होगा? तो दोस्तों आपको सोचना ज़्यादा नहीं है और देखकर 5 देखकर ही डायरेक्टली आंसर लिख देना है, यानी 110। तो हाँ इसका 110 ही आंसर सही आंसर होगा, और होगा कैसे वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि होगा कैसे। तो देखो दोस्तों यहां पर जो वैल्यू है, अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो x यहां से बचेगा x, माइनस का 5 बचेगा यहां से, और प्लस का बचेगा यहां से 1 अपॉन x बराबर 0। ये तो x एक बार इसके साथ में मिलकर 0 हो गया। अब यहां से जो कंडीशन बन रही है x प्लस 1 अपॉन x, ये 5 माइनस का इधर को ले गए 5, तो दोस्तों ये वो वाली कंडीशन बन गई जो सभी जानते हैं कि x प्लस 1 अपॉन x इजिकल टू 5 है, तो x की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन x की पावर क्यूब कितना होगा? यानी पावर 3 तक लेकर जाना है, तो हमको करना क्या है, हमको देखना है कि यहाँ पर पावर 1 है यहाँ पर पावर 3 है, तो डायरेक्टली इस नंबर का क्यूब कर देते हैं हम लोग, डायरेक्टली इस नंबर का क्यूब कर देते हैं। जैसे x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब निकालने के लिए बोल रहा हूँ मैं इसको, तो डायरेक्टली इस नंबर का भी क्यूब कर देते हैं हम। इसका क्यूब किया 125 आता है, और इस नंबर की डायरेक्टली इस नंबर से मल्टीपल किया 5 3 15, और 15 घटा देती है बेटा इसमें, अगर प्लस का निशान है तो 15 घटा देते हैं, तो 5 3 15 यानी 15 घटा देते हैं, तो इसको 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125 मेरे बच्चों, और 15 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो बचा आंसर आपका 110 जो मैंने आपको बता दिया था। चलिए मिलते हैं इस क्वेश्चन से भी। क्वेश्चन है यदि x की 4 प्लस 1 अपॉन x की 4 49 है, यानी 47 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना होगा? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से इसका आंसर होगा 7, इसका आंसर होगा 7। तो होगा कैसे वो हम देखते हैं सोल्व कर कर, सोल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको कि सोल्यूशन क्या है इसका। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाते हैं प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बनता है बेटा। तो बनता कैसे है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 यानी एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कट हो गए दोनों। तो इसकी जो वैल्यू है बेटा, इसकी जो वैल्यू है पूरी की वैल्यू कितनी है 47, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा का होल स्क्वायर जो होगा वो कितना है 47, और प्लस यहाँ से कितना है 2, टोटल मिलाकर हो गया ये 49। यहाँ से अंडर रूट हटाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 49, और बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो मान निकल कर आया हमारा वो कितना आ गया 7। तो बेटा आपका जो सॉल्यूशन है वो ये है, फुल डिटेल में बेसिकली सॉल्यूशन। तो प्यारे सभी जानते हैं जैसे कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर 4 है 5 है तो पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो इनको कराने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ आप बेसिकली सीख चुके होंगे काफ़ी, मगर एग्जामिनर यहाँ से ना पूछकर एग्जामिनर कुछ बड़ा पूछ रहा है, यानी इसका आंसर डायरेक्टली
पाँच है तो पाँच का स्क्वायर 25 होता है और बेटा प्लस है तो यहाँ से 2 घटा दिया यानी 23 आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछकर एग्जामिनर कुछ बड़ा पूछ रहा है और वो ये पूछ रहा है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 है तो वो पूछ रहा है आपसे 2x 3x स्क्वायर प्लस 7x 3 तो ये होगा 7x प्लस 3। तो बेटा हमको करना क्या है, हमको इस तरीके से इस तरफ से सोल्व करना है। यहाँ से हम जानते हैं x प्लस 1 अपॉन x इजिकल टू 7 है, यहाँ से सोल्व करने से आपका मान जो आएगा वो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर सोल्व करना हमको तो 2x, अब नीचे से हम 3x स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से भी x कॉमन ले लेते हैं और x प्लस यहाँ से 3 है तो 3 अपॉन x बचा और प्लस का यहाँ से 7। तो बेटा एक्स एक्स पूरा पूरा काट दिया। अब देखो ऊपर बचा 2 और नीचे कितना बचा 3, इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बचा और ये प्लस का जो था ये 7 बच गया। तो बेटा इसका मान आप जानते ही हैं ऑलरेडी कितना है, 7 7 21, 21 और 7 28 यानी 2/28 यानी 1/14 और इसका 1/14 ही आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया है, x प्लस 1 अपॉन x इजिकल टू 7 कैसे आ गया। तो बेटा मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि कैसे आया है। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ पूरी सीरीज में से तो यहाँ से बचेगा x और माइनस 7 और प्लस 1 अपॉन x बराबर 0। तो एक बार तो ये 0 हो जाएगा इसके साथ में। अब देखो x प्लस का 1 अपॉन x है और ये माइनस का उधर ले गए 7 तो ये बेटा 7 आ गया। तो इसी तरीके से ये आ गया था। आप चलो दोस्तों देखते हैं एक और बेहतरीन सवाल जो इस तरीके से है कुछ। यदि यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो पूछता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो बेटा इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे की जो दिमाग की एबिलिटी होती है वो कुछ हैंग हो जाती है कि किस तरीके का हमको 1-2 सेकंड में कैसे करना है। तो बेटा करना कैसे है देखो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था यहाँ से x प्लस 1 अपॉन x का मान हम 3 फाइंड आउट कर ही लेते हैं और उसके आगे हम चलते हैं इसकी ओर। यानी यहाँ से भी हम अगर x कॉमन ले लूँ मैं तो यहाँ पर बचेगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर था जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 ये ब्रेकेट बंद अपॉन यहाँ से भी x कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ बचा x और प्लस का यहाँ पर बेटा बचा कितना 3 और प्लस 1 अपॉन x। तो बेटा हम जानते हैं इसका मान x से x खत्म, x प्लस 1 अपॉन x का मान हम जानते ही हैं 3 होता है। अब x प्लस 1 अपॉन x का मान 3 होता है, यहाँ पर पावर है 3। तो बेटा मैंने आपको सिखाया है कि 3 का क्यूब करो और 3 3 9 घटा दो उसमें से, तो 3 का क्यूब करा 27, 9 घटाया कितना बचा 18। तो ऊपर बेटा लिख दिया आपने 18 लिख दिया, नीचे x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी थी 3 3 और जोड़ दिया हो गया 6। तो डायरेक्टली आपका आंसर कितना होगा 3। हाँ तो दोस्तों यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको ज्वाइन करनी होंगी हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो कि ऑलरेडी चल रही हैं 9 से 10 बजे तक सुबह एडवांस मैथ की क्लास चल रही है मेरी। और एक बच्चों की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो एक क्लास और स्टार्ट होने वाली है जल्द ही मेरी। तो आपको अगर क्लियर करना है इन कॉन्सेप्टों को तो आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी जो जेनिथ कोचिंग सेंटर पर अवेलेबल हैं। तो